तो भाई आपने सेल की तैयारी शुरू कर दी या फिर नहीं? मैं तो भाई आपके लिए हर एक बजट की वीडियो सेल से पहले बना दूंगा, ताकि आपको सेल के अंदर ये चीज पता हो कि भाई मुझे कौन सा लैपटॉप बाय करना है। आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो ऑलरेडी मैं 60,000 के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने 60,000 के आसपास नया गेमिंग लैपटॉप बाय करना है तो आप जाके ये वाली वीडियो चेक कर लेना। लेकिन भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 80,000 के सबसे अच्छे गेमिंग लैपटॉप की। एंड सही में यार 80,000 के बजट के अंदर तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है ना आज की डेट में भाई। ग्राफिक कार्ड को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, RTX 3050 ले या फिर RTX 4050 बाय करें इस बजट के अंदर। RTX 3050 भी आपको 4GB के अंदर भी मिल रहा है, 6GB के अंदर भी मिल रहा है। एंड सेम गोज विद द प्रोसेसर, 13 जनरेशन वाला बाय करना चाहिए, राइजन के साथ जाना चाहिए भाई? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो आपकी सारी कंफ्यूजन मैं इस वीडियो के अंदर खत्म कर दूंगा। मैं आपके लिए लेके आया हूं सिर्फ 4 लैपटॉप्स, एंड ये चारों लैपटॉप 80,000 के सबसे तगड़े लैपटॉप्स हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं डेल के लैपटॉप से, डेल G15 5530। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जाके ये वाली वीडियो चेक कर लेना। काफी यूनिक सा डिजाइन है लैपटॉप का, एंड डेल का इस बजट के अंदर आपको यही इकलौता ऐसा गेमिंग लैपटॉप मिलता है जिसके अंदर आपको बढ़िया वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया है। 78,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13450HX। अगर आपको नहीं पता तो एच सीरीज के जो प्रोसेसर होते हैं वो 3 सीरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, H, HX एंड HS। HX वाले सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। 16GB की रैम मिल जाती है। बढ़िया चीज ये है कि लैपटॉप के अंदर हमें DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल 32GB तक है। 1TB की SSD मिल जाती है, Gen 4 SSD है। अगर आपको नहीं पता तो देखो, जो Gen 4 SSD होती है ना, उसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, तो ये भी चीज बढ़िया है। 15.6 इंच की फुल HD WWANT के लिए डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। भाई इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो दिया गया RTX 3050, लेकिन ये आपको 4GB का ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, बल्कि 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया। एंड TGP 95W है, मतलब कि तगड़े वाला मामला। मग स्विच भी इंक्लूडेड है। एंड इसके ऊपर मैंने भाई हर तरह की गेमिंग करके देखी है, चाहे GTA 5 की बात करें, साइबरपंक की बात करें, फोर्जा होराइजन 5 होगी, फार क्राई 6 होगी, स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड होगी, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। एंड मैंने हर एक गेम को डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर खेल के देखा है। अगर आपने इसकी अच्छे से डिटेल के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करनी है ना, तो आप जाके ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। इसका भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एंड मजे की चीज पता है क्या है, गेमिंग लैपटॉप है लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। McAfee एंटीवायरस दिया गया, लेकिन वो सिर्फ आपको एक महीने के लिए मिलेगा। 56W की बैटरी के साथ ही 240W का अडेप्टर मिल जाएगा। पोर्ट्स इसके अंदर हमें सारी मिल जाती है। देखो भर भर के पोर्ट्स दे रखे हैं लैपटॉप में। 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI 2.1, 1 USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 USB 3.2 Gen 2 Type C, LAN port होगी एंड साथ में 3.5mm जैक। बढ़िया लैपटॉप है, डेडिकेटेड G की दे रखी है इसके अंदर गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए। 4 zone RGB backlit कीबोर्ड में मिल जाएगा। ये लैपटॉप जो है इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। एंड देखो जैसे इसका प्राइस 78,000 रुपीज है, लेकिन ड्यूरिंग Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ये लैपटॉप आपको 70,000 के आसपास पक्का मिल सकता है। इस लैपटॉप को तो आप अभी कार्ड के अंदर ऐड करके रख लो, ठीक है? बहुत ही शानदार लैपटॉप है। बट इससे भी बढ़िया लैपटॉप आपको बता दूं, Acer का Naito V गेमिंग लैपटॉप है। इसका प्राइस है 77,000 रुपीज, लेकिन ये आपको इस सेल सीजन के दौरान मिल जाएगा 70,000 के आसपास बड़े आराम से। भाई इसके अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन तो प्रोसेसर मिल जाता है, 13420H, लेकिन जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो दिया गया RTX 4050, एंड वो भी 75W TGP वाला, 6GB वाला ग्राफिक कार्ड है ये। गेमिंग स्कोर्स भी चेक करते हैं, लेकिन फर्स्ट 16GB की रैम दे रखी है, DDR5 रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। जब भी आपने 80,000 रुपए गेमिंग लैपटॉप के ऊपर लगाने है ना, एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। एक से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए पक्का। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 3 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, 99% sRGB। इसके कलर्स भी अच्छे हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। अब चेक करते हैं इसके गेमिंग स्कोर्स, साइबरपंक की बात करें, GTA 5 की बात करें, या फिर आप बात कर लो कॉल ऑफ ड्यूटी की, सारी गेम्स डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। आप वीडियो पॉज करके इन सभी के स्कोर्स भी चेक कर सकते हो। 57W की बैटरी के साथ ही 135W का अडैप्टर मिल जाएगा। एंड इसके अंदर भी हमें सारी पोर्ट्स मिल जाती है, 3 USB Type, 1 Thunderbolt 4 पोर्ट, HDMI, ईथरनेट एंड 3.5mm जैक, बैकलाइट कीबोर्ड है। बढ़िया लैपटॉप है ये भी, आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। आगे बढ़ते हैं, HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप है, प्राइस बिल्कुल सेम है 78,000 रुपीज। एंड इसका जो प्रोसेसर है वो भी बिल्कुल सेम है जो कि Acer के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था, 13420H। 16GB की रैम दे रखी है, DDR4 रैम है, 3200MHz वाली, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD लेटेस्ट वाली, एक्सपेंडेबल है ये भी। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। देखो इसके अंदर भी आपको सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है, 6GB का एंड TGP 75W है। बेसिकली आपको इसके अंदर प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड ये बिल्कुल ही डिटो सेम मिल जाता है जैसा कि Acer के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था। लेकिन एक चीज है कि इसके अंदर आपको MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है 2021। 70W की बैटरी, 200W का अडैप्टर मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, ईथरनेट, HDMI 2.1, 1 USB 3.2 Type C, एंड इसकी जो टाइप सी पोर्ट है ना वो फुली फीचर्ड है, यानी कि पावर डिलीवरी, स्लीप एंड चार्ज एंड डिस्प्ले इन तीनों को सपोर्ट करती है। 2 USB Type A, SD कार्ड रीडर एंड 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर
कंसिडर करो, बेस्ट पाइलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आप अपने बजट को थोड़ा बहुत पुश कर सकते हो, 85,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, लेकिन भाई सेल के दौरान ये लैपटॉप आपको 77,000 के अंदर पक्का मिल सकता है। लिनोवो का लॉक लैपटॉप है, इसके अंदर आपको 13450HX प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि सबसे पहले डेल के लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, सेम प्रोसेसर है, लेकिन इसका ग्राफिक कार्ड काफी तगड़ा है, 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, RTX 4050 है, लेकिन भाई 105W TGP वाला है। देखो भाई, ग्राफिक कार्ड का सिंपल सा रूल है, जितनी TGP ज्यादा उतना तगड़ा अपना ग्राफिक कार्ड। तो इस बजट का सबसे तगड़ा अगर आपको ग्राफिक कार्ड किसी लैपटॉप के अंदर मिल रहा है तो इसी के अंदर मिल रहा है वो आपको। इसके अंदर आपको मक्स स्विच इंक्लूडेड मिलता है, जीसिंग को भी सपोर्ट करता है, एंड सारे गेमिंग स्कोर्स भी आपके सामने, चाहे आप GTA 5 की बात करो, वैलोरेंट की बात करो, गॉड ऑफ वार होगी, RDR2 होगी, सारी गेम्स एकदम ही मक्खन चलती है इसके ऊपर। तो 16GB की रैम है, DDR5 रैम है 4800MHz वाली, ये भी लेटेस्ट है, 32GB तक एक्सपेंडेबल भी है, 512GB की SSD Gen 4 SSD ये भी लेटेस्ट है एंड एक्सपेंडेबल भी है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 nits की ब्राइटनेस के साथ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में MS Office भी दिया गया, 60W की बैटरी, 170W का अडैप्टर। इस लैपटॉप के अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 80% बैटरी भाई 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। ई कैमरा शटर दिया गया, 4Zone RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, 3 महीने के लिए आपको गेमिंग पास भी दे दिया, भाई और क्या चाहिए आपको 80,000 के अंदर। पोर्ट्स की बात करें तो 3 USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट्स मिल जाती है, 1 USB C 3.2 Gen 2, एंड ये भी टाइप सी फुली फीचर है, डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले पोर्ट एंड चार्जिंग तीनों को सपोर्ट करती है, HDMI, ईथरनेट एंड 3.5mm कॉम्बो। टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, इसका भी जो बेस्ट स्पेलिंग का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 80,000 के सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड बाकी भी हर एक बजट की वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी सेल से पहले, वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, पीस आउट।